जहांगीर तरीन की 19 करोड़ 91 लाख के टैक्स रिकवरी नोटिस के खिलाफ दरखास्त की हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने FPR की जानिब से भिजवाया गया नोटिस मुअत्तल कर दिया। मजीद जानते हैं उमर शाकिर से। जी उमर शाकिर, आज ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को 19 करोड़ 91 लाख के टैक्स रिकवरी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने FPR की जानिब से भिजवाया गया नोटिस जो है मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जहांगीर तरीन की अपील पर 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने जहांगीर तरीन की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें FPR कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और दिगर को फरीक बनाया गया था। गुज़श्ता रोज दरख्वास्तगार वकील ने मौकफ तैयार किया कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत ने JWD नामी मिल को 19 करोड़ 91 लाख 60 हज़ार के नोटिस भिजवाए गए। ताहम ये तमाम अपीलें जो हैं वो इनलैंड रेवेन्यू के पास जेर समात है, जिससे मुतलिक हुक्म इम्तनाई जारी हो चुका है। लेकिन हुक्म इम्तनाई के बावजूद FPR ने टैक्स रिकवरी नोटिस भिजवाए हैं जो गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। दरख्वास्तगार वकील ने अदालत से इस्तदा की अदालत FPR की जानिब से भिजवाए गए टैक्स रिकवरी नोटिस का रदम करार दे। अदालत ने दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए FPR की जानिब से भिजवाए गए नोटिस मुअत्तल कर दिए हैं और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को जहांगीर तरीन की अपील पर 30 रोज में फैसला करने का हुक्म दिया है। जी नोटिस मुअत्तल कर दिए। शुक्रिया उमर शाकिर आपका।